हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉल्यूशंस। आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों का लाइफ में डाउनफॉल आता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि इंसान के लाइफ में जब डाउनफॉल आता है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। आप महाभारत ले लो, आप रामायण ले लो, जिसमें आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं जैसे रावण है या दुर्योधन है, उन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। अगर उस चीज़ को हम समझ जाएं तो हम ये समझ जाएंगे कि किसी भी इंसान के डाउनफॉल का रीज़न क्या होता है। इन दोनों ने सेम गलती की जो हम भी करते हैं। जब हमारे लाइफ में डाउनफॉल आ रहा होता है हम सेम गलती रिपीट कर रहे होते हैं, और उस गलती को अगर हम समझ जाएं तो फ्यूचर में हो सकता है हम अपने डाउनफॉल के टाइम पर जल्दी समझ जाएंगे। आपने जब भी किसी को डाउनफॉल होते हुए देखा होगा, उसमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बोला दुर्योधन में भी था और रावण में भी था, वो ये था कि इंसान जब अपने डाउनफॉल में होता है ना तो वो अपनी धुन में होता है, और वो अपनी धुन में रहते हुए सही चीज़ें सुनना बंद कर देता है, सही लोगों से एडवाइस लेना बंद कर देता है, या एडवाइस आती भी है तो उनको नज़रअंदाज कर देता है। वो अपने ऊपर किसी को ऑथोरिटी मानता ही नहीं। दुर्योधन के सामने जब श्री कृष्ण तक आए थे और उन्होंने उसे बोला था कि 5 गांव दे दो यार, बाकी चीज़ें सब सॉर्टेड रहेंगी, वो इतने घमंड में था, इतने अहंकार में था कि उसने उनकी बात तक नहीं सुनी, ना उसने अपने गुरुओं की बात सुनी। वो गलत इंसान से एडवाइस लेता रहा और वो अपने डाउनफॉल की तरफ जाता रहा, और वही उसका सबसे बड़ा रीज़न था। अगर वो सुन लेता, समझ लेता, तो शायद वो बच जाता। सेम चीज़ रावण के साथ हुई, जब उसको उनके भाई ने ये बोला कि ये सब चीज़ें आप गलत कर रहे हो और इसको आपको नहीं करना चाहिए, सीता जी को छोड़ देना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। उसने उस चीज़ को नहीं सुना, उसने समझने की कोशिश नहीं की, वो अपने पागलपन में, अपनी ही पागलपन में रहा, और जिसके कारण वो अपने डाउनफॉल की तरफ गया। सेम चीज़ हम भी अपने लाइफ में करते हैं। होता है क्या है, जब आप पागलपन कर रहे होते हैं ना तो आपको ये नहीं समझ आता कि आप गलत कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग जब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये गलत है, तो उस समय समझने की कोशिश करो, वहाँ रुक के सुनने की कोशिश करो। आप जब सुनोगे ना तो आपको धीरे धीरे हो सकता है उस समय समझना है, लेकिन उसको एनालाइज करोगे आपको समझ आएगा। होता ये है कि हम एक अलग तरीके की धुन में होते हैं जब हम गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, डाउनफॉल की तरफ जा रहे होते हैं, और उस धुन से हमको निकालने की ज़रूरत होती है, किसी को झंझोड़ने की ज़रूरत होती है, और वो तब हो सकता है जब आप उन लोगों की, सही लोगों की बात सुनो। अगर बातें ही नहीं सुनोगे तो प्रॉब्लम में रहते हैं, और ये हमेशा होता है। तो अपने से बड़ों की, सही इंसान की, जरूरी नहीं बड़ा, हो सकता है कोई छोटा भी आपको कुछ ऐसी चीज़ बता जाए जो आपके लिए सही हो, बट आपको दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। इस धुन में नहीं रहना कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ सही, जो मैं कर रहा हूँ सही। ये जब आप करने लगते हो तो प्रॉब्लम आती है। अपने एक्शंस को, अपने किए हुए कामों को समझो। जब लोग आपको बार बार बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ आप गलत कर रहे हो सकता है आप गलत कर रहे हो, एक बार एनालाइज करके देखो। अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कुछ तो गलती होगी, ये समझ के देखो। हो सकता है ना हो सकता है कोई आपसे जल के बोल रहा हो, लेकिन एक बार आप ठहर के सोचोगे, सुनोगे, समझोगे तो आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि नहीं यार, यहाँ पे शायद मैं गलत हूँ, यहाँ पे मैं सही हूँ। तो एनालाइज करने की कोशिश करो। अंधाधुन किसी भी चीज़ में मत घुस जाओ। जब कोई समझाने की कोशिश कर रहा है समझो, बिकॉज वही समय है जहाँ आप बच सकते हो, नहीं तो फिर जब बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा तो फिर आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और वो आपके लिए गलत है। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अब नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आता है स्टे फोकस्ड में, जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अच्छा। थैंक यू।